पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमारा और ईमान पुख्ता हो गया कि अफ़गानिस्तान में ईमान जीत गया और कुव्वत हार गई, नज़रिया जीत गया और असलहा नाकाम, तकब्बुर और गुरूर उसको शिकस्त हुई और अल्लाह पर ईमान और यकीन को कामयाबी मिली है। इस कामयाबी पर हम अल्लाह के शुक्र के साथ यही कहते हैं कि ये अफ़गानों की नहीं, ये पाकिस्तानियों की भी कामयाबी है, इसलिए कि इस तवील जद्दोजहद में पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान के अवाम ने अफ़गानों का साथ दिया है। 40 लाख अफ़गान महाजरीन आए थे रूस के आने के बाद, तो भी पाकिस्तानियों ने उनका साथ दिया और नेटो अफवाज के आमद के बाद हमारे इस पूरी जद्दोजहद में 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और पाकिस्तानी अवाम ने भी बड़ी मुश्किलात और सोबतें उठाई हैं। तो बजा तौर पर अफ़गान अवाम के साथ पाकिस्तान के अवाम भी काबिल मुबारकबाद है और ये उम्मत मुस्लिमा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कामयाबी है और अफ़ग़ानिस्तान की कामयाबी से कश्मीर के आज़ादी और फ़लस्तीन के आज़ादी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। फ़लस्तीनियों को भी हौसला मिला है, कश्मीरियों को भी हौसला मिला है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अफ़ग़ानिस्तान के अंदर कश्मीर को भी आज़ादी अता फ़रमाएँ और फ़लस्तीन को भी आज़ादी अता फ़रमाएँ। इस मौके पर सैयद अली गिलानी मोहसिन पाकिस्तान, शहीद पाकिस्तान हमसे जुदा हो गए हैं, उनके गम और दर्द में पूरी कौम शरीक है, उनके लिए भी हम दुआगो है कि अल्लाह ताला उनके जद्दोजहद को कबूल फरमाएँ और उनके मरने के बाद वो दिन आ जाए कि उनका नज़रिया कामयाब हो और कश्मीर बने पाकिस्तान, उसको अमली सूरत में हम देख सके। इस मरहले में मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा कर रहा हूँ कि कश्मीर के आज़ादी की जद्दोजहद को बढ़ाने से अली गिलानी साहब का मिशन पूरा होगा और सैयद अली गिलानी के साथ प्यार मोहब्बत और अकीदत यही है कि कश्मीर के आज़ादी के लिए कौमी सतह का प्रोग्राम बनाया जाए, आवाम के सामने रखा जाए और पूरी कौम जिस तरह एक पेश पर है कश्मीर के आज़ादी के खातिर, उसी तरह हुकूमत भी एक का लाहे अमल दे दे कि हुकूमतों की तब्दीली से उस लाहे अमल में कोई तब्दीली ना हो।